बेटा है इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। क्या क्या अमर्यादित बयान नहीं दिया गया है मेरे परिवार के बारे में, मेरा क्या क्या नामकरण नहीं किया, लेकिन फिर भी उन सब को भाव ना देते हुए हम मुद्दों की बात करते रहे और वो लोग मुर्दों की बात करते रहे, हम वर्तमान भविष्य की बात करते रहे और वो लोग इतिहास के बासी पन्ने और भूतकाल की बात करते रहे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के सत्र के आज अंतिम दिन खूब हंगामा हुआ, पक्ष और विपक्ष दोनों के तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चल पड़ा था उसमें कई बार तेजस्वी यादव गरजे तो कई बार नीतीश कुमार भी अपना आपा खोते हुए दिखे। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाहर आकर के पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन सवालों का जवाब दिया कि आखिर क्यों सदन की कार्यवाही जब चल रही थी तो बेटा बेटी को लेकर के प्रश्न उठने लगे, सवाल उठने लगे, क्यों आखिर नीतीश कुमार ने उन पर गुस्सा किया और क्यों तेजस्वी यादव ने विरोध किया, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के वाद विवाद था और इसके लेकर के सभी पार्टियों को टाइम अलॉट होता है और अपनी बात को उस अभिभाषण के प्रतिक्रिया में देनी पड़ती है और आप सब लोगों ने भी अभिभाषण देखा होगा। शायद ये पहला इतना छोटा अभिभाषण राज्यपाल का बिहार ने देखने का काम किया, मात्र देर से दो पन्नों का ही अभिभाषण था। अभिभाषण जो होता है राज्यपाल का, वो सरकार का क्या विजन है, क्या रोडमैप है और किस दिशा में सरकार अगले 5 साल काम करेगी उसको लेकर के होता है, इससे समझ में आता है। अगर आप देखिएगा जहाँ तक हम लोगों ने अपनी बात को रखा तो हम लोगों ने बताया कि हम किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में गए थे, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार, भ्रष्टाचार का मामला हो या बंद बड़े कारखाने की बात हो, किसान की बात हो, स्वयं सहायता समूह की बात हो, मजदूरों की बात हो, कोरोना की बात हो, एक पॉजिटिव कैंपेन हम लोगों ने चलाया। प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक एक 31 साल के जवान के पीछे, नौजवान के पीछे क्या क्या अमर्यादित बयान नहीं दिया गया है मेरे परिवार के बारे में, मेरा क्या क्या नामकरण नहीं किया, लेकिन फिर भी उन सब को भाव ना देते हुए हम मुद्दों की बात करते रहे और वो लोग मुर्दों की बात करते रहे, हम वर्तमान भविष्य की बात करते रहे और वो लोग इतिहास के बासी पन्ने और भूतकाल की बात करते रहे। हमारा अभी भी मानना है, स्पष्ट मानना है कि जनता का जनादेश जो था वो बदलाव का था और जनता ने जनादेश महागठबंधन को दिया और ये सरकार की फितरत है कि चोर दरवाजे से पिछले बार भी आई और इस बार भी। तो आपने सुन लिया है क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने। देखने वाली बात यह है कि बिहार विधानसभा सत्र के अंतिम दिन भी हंगामा होता रहा, सत्र का अंतिम दिन भी हंगामे की बलि चढ़ गया। देखने वाली बात यह है कि जनता जो उम्मीद लगाए बैठी थी, सरकार ने तो कह दिया है कि हम वादा पूरा करेंगे, क्या कुछ काम आगे होता है उस पर हमारी नज़र टिकी रहेगी। आप लाइव सी देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।